Hello everyone. Today we solve some questions based on area of rectangle and square. So let's start with our let's try for exercise. Convert the following. So question number first is convert the following. अब आपको यहाँ पर conversion सीखा है. मैंने आपको last class में भी conversion बताया हुआ है. So here हमें पता है कि किलोमीटर आता है पहले, then आता है आपका हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट 490 mm टू सेंटीमीटर. सो आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर आना है. तो आपको पता है हम 10 का डिवाइड करेंगे. सो इन क्वेश्चन नंबर ए 490 इज डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर. So our required answer is 49 centimeter. Now question number B. 2250 kilometer. 2 meter. हमें मीटर से कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से मीटर. इट मीन्स हमको बड़े से छोटे में करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000. सो 2250 मल्टीप्लाई बाय 1000, which is equal to 225000 meter. Now, most important third, 18600 is centimeter square है. और इसको हमें convert करना है meter square में. So यहाँ पर हमारा centimeter square है. और उसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर स्क्वायर में. तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर. सो हमें पता है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो हम 100 का डिवाइड करते हैं. बट यहाँ पर हम 2 टाइम सेंटीमीटर का कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे 10,000 से. सो हमें 18600 को डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से. सो 0 से 0 कैंसिल. 1.86 मीटर स्क्वायर आवर इज रिक्वायर्ड आंसर. सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर डी को भी करेंगे. यहाँ भी मीटर स्क्वायर है. तो मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए, सिंगल मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे हमको मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है. तो हम करेंगे 10 लाख का मल्टीप्लाई. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन अ स्क्वायर गार्डन अ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल इज मेड. ओके, हाउ मच लैंड इज लेफ्ट इन द गार्डन. अब जो आपका एक गार्डन था वहां पर आपका एक स्क्वायर शेप का स्विमिंग पूल बना दिया, जहां पे आपकी मेजरमेंट थी 3 मीटर 3 मीटर, और आपका एक स्क्वायर था पूरा गार्डन, इसकी मेजरमेंट है आपको 5 मीटर 5 मीटर. सो हमें इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर से इस छोटे वाले स्क्वायर को सेपरेट करना है, जिससे हम फाइंड आउट कर सकें कि कितना एरिया स्पेस ये बचा. सो लैंड एरिया left in garden is equal to area of whole garden minus area of swimming pool. So यहाँ पर एरिया फाइंड करना है गार्डन का और स्विमिंग पूल का, दोनों को सेपरेट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन अ पार्क वॉकिंग पाथ नीड टू बी रिपेयर्ड. एक पार्क है जहां पर वॉकिंग पाथ जो ये दिया हुआ है इसको रिपेयर करना है. हाउ मच एरिया नीड टू बी रिपेयर्ड. आपको बताना है कितना एरिया रिपेयर करने की जरूरत है. सो इसका मतलब हमें एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है. If the repairing cost is 120 per meter square, find the
टोटल कॉस्ट। अब आपको अगर 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस अगर आपको 120 दिया हुआ है, तो आपको कितना खर्चा हुआ ये बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारी 2 हॉरिजॉन्टल रोड्स हैं और 2 वर्टिकल रोड्स हैं। अगर हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड, इट मींस ये वाली रोड्स का, तो हमको लेंथ दी है 150 मीटर और विथ दी है 4 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। सो 600 मीटर स्क्वायर आपका इस वाली रोड का हो गया और 600 हो गया आपका इस वाली रोड का। सो टोटल एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड इज इक्वल टू 1200। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वर्टिकल रोड्स। एरिया ऑफ वर्टिकल रोड, यहाँ पे आपको लेंथ दी है 100 मीटर और विथ दी है 4 मीटर, सो आपका 400 आ गया। दिस इज 4, दिस इज 100। ओके, सो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया ऑफ वर्टिकल लोड विच इज इक्वल टू 800। ओके, सो टोटल एरिया ऑफ बोथ रोड्स, हॉरिजेंटल रोड्स भी और वर्टिकल लोड्स भी, कितना हो गया? 1200 प्लस 800 विच इज इक्वल टू 2000 मीटर स्क्वायर। बट अगर मैं ये वाला पोर्शन रिपेयर करता हूँ तो, और फिर मैं ये बाद में करता हूँ, तो मेरा जो एक वाला ये एरिया है, एक बार ये एरिया हो चुका है कंप्लीट, यहाँ भी हो चुका है एक बार, ठीक है। बट फिर अगर यहाँ से करूँगा तो फिर दो वाला करना पड़ेगा, तो मुझे ये वाला एरिया सेपरेट करना पड़ेगा। सो अगर मैं देखूँ, मतलब इस पोर्शन का अगर एरिया देखूँ, तो यहाँ से इसकी लेंथ भी 4 मीटर है और ब्रेथ भी 4 मीटर है, इट मीन्स इसका एरिया कितना हो गया? 16 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। इसका 16 मीटर स्क्वायर, इसका 16 मीटर स्क्वायर, इस वाले का 16 मीटर स्क्वायर और इस वाले का 16 मीटर स्क्वायर, ये मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं ये वाली रोड कंप्लीट कर लेता हूँ, रिपेयर कर लेता हूँ, मुझे जब मैं ये वाली रोड रिपेयर करूंगा तो मेरा ये वाला इतना पोर्शन तो पहले से ही रिपेयर हो चुका था। तो 16 16 16 16 कितना हो गया टोटल? 64 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स मुझे 2000 मीटर स्क्वायर में से 16 मीटर स्क्वायर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा 1936 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया मुझे रिपेयर करना है। सो अब कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1936 मल्टीप्लाई बाय 120 विच इज इक्वल टू 232320, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर वाइड डिजाइन सराउंडेड पाथ ऑफ स्क्वायर टेबल इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहां पर एक टेबल है, एक टेबल है, उसके सराउंडिंग 2 सेंटीमीटर की एक डिजाइन है, और जो ये डिजाइन है हमें उसका एरिया गिवन है 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया फाइंड करना है टेबल का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पूरा सपोज करते हैं, सपोज साइड ऑफ स्क्वायर टेबल इज इक्वल टू एक्स, अगर हम सपोज करते हैं इसके स्क्वायर के साइड्स क्या है, एक्स है, तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो अगर मैं देखूं, तो अगर ये एक्स है तो पूरा कंप्लीट अगर इसकी साइड देखूं तो
ये वाला x इतना और इतना 2 और इतना 2, तो कितना हो गया x प्लस 4 आपकी इसकी साइड हो गई, ये भी x प्लस 4 हो गया, ये भी x प्लस 4 हो गया और ये भी x प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा आउटर टेबल साइड है उसका क्या हो गया, एरिया कितना हो गया और इसकी साइड क्या हो गई, x प्लस 4। तो हमारी इनर साइड क्या है, x, और आउटर साइड क्या है, x प्लस 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पूरी टेबल का एरिया निकालना है जो डिजाइन के साथ में। सो टोटल एरिया ऑफ टेबल इंक्लूड डिजाइन, इंक्लूड डिजाइन, तो क्या होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये कैसे आया, ये आया हमारा फॉर्मूला रख के, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है आपका 4x है और b क्या है आपका 4 है। फॉर्मूला इनपुट करेंगे आपकी इक्वेशन में आएगी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ओके, अगर मैं एरिया ऑफ सिर्फ टेबल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ टेबल मतलब अंदर वाली टेबल का, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ आपको अब पूरी टेबल का एरिया पता है, छोटी वाली टेबल का एरिया पता है, और अगर मुझे इस डिजाइन का एरिया निकालना पड़े तो क्या कैसे निकालूंगा, इस टोटल एरिया से इस टेबल को सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन डी आई डिजाइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x प्लस 16 आपका एरिया ऑफ डिजाइन आ गया। बट हमको एरिया ऑफ डिजाइन कितना गिवन है, 136 विच इज इक्वल टू 136। सो 8x इज इक्वल टू 136 माइनस 16, तो वैल्यू कितनी आ गई 8x की, 120। सो x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जब आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। नाउ अब हमको एरिया ऑफ टेबल फाइंड करना है, x की वैल्यू आ गई 15, सो एरिया ऑफ टेबल क्या होता है एक्स स्क्वायर। सो 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ योर असाइनमेंट इज टू सॉल्व, लेट्स ट्राई 4 एंड माय टर्न 4 ऑफ चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ सकते हैं। थैंक यू।